हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं ध्वनि के कुछ जो एक्सपेरिमेंट हैं वो हम आज करके देखेंगे। जैसे ग्लास और उसमें पानी डाल करके हमने एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग आवाज़ों के साथ हमने उसे बजा कर देखा। तो उसमें क्या हुआ कि अलग अलग आवाज़ें हमें अलग अलग साउंड सुनाई दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसमें पानी की जो क्वांटिटी थी वो भी हमने ज़्यादा किसी में कम से ज़्यादा की ओर हमने भरा था पानी, तो इस कारण से उसकी हमें साउंड में भी परिवर्तन सुनाई दे रहा था। और बच्चों ने ये अनुभव किया कि जिसमें ज़्यादा पानी है उसकी आवाज़ हमें थोड़ी भारी सुनाई दे रही है, और जो जिसकी आवाज़ कम, मतलब कि जो हल्की आवाज़ है वो ऐसी है जिसमें कम पानी है उसमें थोड़ी हल्की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये उन्हें भी एहसास हुआ और ये उनको अनुभव कर पाए इस एक्सपेरिमेंट से। सभी बच्चों ने बारी बारी से करके देखा और सभी को अनुभव हुआ कि ध्वनि, अगर हम ठोस से जो ध्वनि निकलती है उसकी आवाज़ अलग है, और जो इस तरह से जो खाली गिलास है उसकी ध्वनि अलग है। और सभी बच्चों का जब अनुभव एक साझा किया एक दूसरे से उन्होंने, उसके बाद रबर को लेकर के जो रबर में कंपन होता है उसका अनुभव किया उन्होंने, और उससे जो ध्वनि निकलती है उसका भी उन्होंने अनुभव किया कि किस तरह से वाइब्रेट होता है रबर। और तीसरा एक्सपेरिमेंट जब टेबल के द्वारा हमने एक ओर उनका कान लगवाया और दूसरी ओर उन्होंने थाप दी, और वहाँ पर जो वाइब्रेशन उन्हें सुनाई दी उसका भी उन्होंने अनुभव किया। तो इस तरह से हमने बहुत इंजॉय किया इस लेसन को, और सभी बच्चों को समझ में आया कि ध्वनि किस तरह से संचरण करती है और उसे माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। ये सारे क्वेश्चन का उन्हें सॉल्यूशन मिला। तो आप भी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इस तरह से ध्वनि जो पाठ है उसका हमने बहुत ही सुंदर से सभी बच्चों ने समझा और बहुत ही एंजॉय करके बच्चों ने इस लेसन को पढ़ा और समझा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।